अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदे स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। चेयरमैन बनते ही टीचर के लिए नौकरी आ गई, शिक्षक के लिए भर्ती आ गई। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2 दिन पहले जैसी बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बने, वैसी उर्दू फारसी अरबी में बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। बहुत ही बड़ी अपडेट है, ये अपडेट क्या है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उर्दू फारसी अरबी में शिक्षकों की बहाली को चलेगा अभियान, होगी विशेष TET/STET। 15 दिनों में बनेगी नियमावली, शिक्षा मंत्री ने दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश। देखिए, जैसी बिहार मदरसा में 2 दिन पहले चेयरमैन बने, वैसी ही काम स्टार्ट हो गया उर्दू अरबी और फारसी को लेकर। 15 दिनों में बनेगी नियमावली, 15 दिन के अंदर में बन जाएगी, और निर्देश भी दे दिया शिक्षा मंत्री ने कार्य योजना बनाने का। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। देखिए क्या है, राज्य में उर्दू फारसी एवं अरबी में शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष अभियान चलेगा। विशेष अभियान के लिए शिक्षा मंत्री ने निर्देश भी दे दिया है। उर्दू फारसी तथा अरबी विशेष के लिए विशेष शिक्षा पात्रता परीक्षा TET एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET होगी। बहुत ही जल्द आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है कि इस तारीख से TET और STET होने वाली है, क्योंकि जैसे ही बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बने, वैसे ही ये अपडेट आ गई कि उर्दू फारसी और अरबी को लेकर अब बहुत बड़ी अपडेट आ गई। देखिए, शिक्षा विभाग उर्दू फारसी एवं अरबी विषय के लिए विशेष विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा TET एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET आयोजित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। देखिए, योजना बनाई जा रही है, निर्देश भी मिल गया आपको। कुछ दिनों में, 1 से लेकर 15 दिनों के अंदर में आपको ये नोटिस आ जाएगी कि इस तारीख से आपका STET और TET होगा, क्योंकि जैसे ही बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बने, अब सारा काम आसान हो गया है। देखिए, विशेष परीक्षा युद्ध करने का पात्रता, इन विषयों में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक 30,032 स्वीकृत पद है। देखिए, उर्दू के लिए कितने पद है, 30,032, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जबकि 18,666 ही कार्यरत है तथा 11,166 की रिक्ति है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के लिए 3794 स्वीकृत बल है, जिसके लिए विरोध मात्र 2645 कार्यरत हैं तथा 1637 की रिक्ति है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा छात्र अनुपात की पूर्ति के लिए कक्षा 1 से 5 तक 4580 शिक्षक तथा 6 से लेकर 8 तक के लिए 2810 शिक्षक अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि नोटिस बहुत जल्द अब जारी होने वाले, क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड में जैसे ही चेयरमैन बने, ये सब जो काम पेंडिंग में था, आपको पता है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब ने जनवरी के महीने में कहा था कि उर्दू अरबी और फारसी का STET और TET लिया जाएगा। इसी को लेकर जैसे ही चेयरमैन बने, ये अपडेट आ गई। उर्दू विषय के लिए कुल 21,000 पद सृजन के बाद रिक्तियां होगी। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी काफी संख्या में रिक्त पद है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में भी बहुत ज्यादा पद खाली है उर्दू फारसी और अरबी के लिए, तथा शिक्षक छात्र अनुपात को निश्चित करने हेतु अतिरिक्त पद सृजन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक में उर्दू विषय में 2,000, फारसी में 600 तथा अरबी में 300 पद, कुल 2900 पद का सृजन किया जा रहा है। जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों में उर्दू के लिए 2,000, फारसी के लिए 400 तथा अरबी के लिए 2,000 पद, कुल 2600 पद का सृजन किया जा रहा है। इस प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू फारसी एवं अरबी, देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। अभी तक नोटिस ये जारी नहीं किया गया किस बेस पे इसका एग्जाम लिया जाएगा, उर्दू STET और
टीईटी अभी तक इसका कोई भी अभी नोटिस नहीं आया है कि क्या फोकानिया और मौलवी पर लिया जाएगा, या आलिम फाजिल पे लिया जाएगा भर्ती, या फिर बीएड, या फिर सीटेट पे लिया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बन गए। अब जितने भी जो काम है वो पेंडिंग में जो था वो जल्द से जल्द काम होगा, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो ये आज की वीडियो, तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही इसकी नोटिस आती है एसटीईटी और टीईटी की, मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इसका फॉर्म किस तरह से भरना और क्या करना है, और इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।